टीम इंडिया से बाहर चल रहे गौतम गंभीर की। रणजी में शानदार प्रदर्शन करने वाले गौतम गंभीर को वैसे धोनी तो साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने मौका नहीं दिया। गंभीर शनिवार को ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर वैली स्कूल पहुंचे और दक्षिण अफ्रीका में ओपनर्स के फ्लॉप होने के बाद वापसी की हुंकार भरी। कैसे बच्चों के बीच गौतम गंभीर ने बात की, आइए दिखाते हैं आपको। धवन का फ्लॉप शो देखकर गंभीर हुए गदगद। ओपनर्स की नाकामी देखकर गंभीर ने भरी हुंकार। टीम इंडिया में होगी वापसी, ओपनर हूं, ओपनर ही रहूंगा। ग्रेटर नोएडा की शान ग्रेटर वैली स्कूल, जहां चल रही है स्पोर्ट्स मीट। और स्कूल के इस खास प्रोग्राम का गवाह बनने पहुंचे टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज गौतम गंभीर। ग्रेटर वैली स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में छोटे छोटे बच्चों के करतब और प्रतिभा को देखकर धोनी के इस खिलाड़ी को अपना बचपन याद आ गया। और जब इस मौके पर न्यूज 24 ने उनसे उनके खेल को लेकर सवाल पूछे तो गंभीर ने सीधे सीधे वापसी की हुंकार भर दी। अरे मेरा काम है रन बनाना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी मौका मिलना ना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो भी जिस भी टीम के लिए आप खेलो, अगर आप रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हो तो उसमें रन बनाओ। रिले दौड़ और खेल से जुड़े तमाम गतिविधियों के बाद बारी थी ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर वैली स्कूल के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवार्ड देने की। सो ग्रेटर वैली स्कूल के चेयरमैन सुधीर शुक्ला, ग्रेटर वैली स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराधा प्रसाद और गौतम गंभीर ने बच्चों को पुरस्कृत किया। मैं अपने स्कूल में कोशिश करता हूं कि बच्चों को, यहां की टीचर्स, यहां की प्रिंसिपल, जो बच्चे 6 घंटे तक आप स्कूल में रहते हैं, एक माँ को छोड़ के आते हैं और दूसरी माँ के पास रहते हैं, इनकी केयर उसी तरह टीचर्स को, प्रिंसिपल को करनी है जैसे माँ केयर करती है। हम साल में 2 या 3 स्पोर्ट्स डे करते हैं, कैनुअल डे करते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं कि उस पर्सनालिटी को लेके आए अपने स्कूल में जिनको देख के बच्चों को खुशी हो, बच्चों को ये गर्व महसूस हो कि आज अगर इन लोगों ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम या अपने देश का नाम रोशन किया है तो हम भी एक दिन अपने देश का नाम रोशन करें। वहीं इस मौके पर ग्रेटर वैली स्कूल के बच्चों से मिलकर अनुराधा प्रसाद ने भी भारतीय खेल में संभावनाओं को लेकर उम्मीदें जाहिर की हैं। इस चीज के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जो है स्कूल के मैनेजमेंट के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल को जाता है कि वो इतने तवज्जो से स्पोर्ट्स को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के लिए जैसे एक मैसेज जो है वो ये जरूरी है कि बच्चे बाहर रहें, बच्चे बाहर खेलें कूदें, क्योंकि बोलते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे होनहार। और इन सब के बीच ग्रेटर वैली स्कूल के बच्चों के जुनून को देखकर गंभीर भी जोश में दिखे और न्यूज 24 से बातचीत में साफ कहा कि टीम इंडिया में वापसी के लिए वो अपने बल्लेबाजी के क्रम को बदलने वाले नहीं। मैं ओपनर हूँ, ओपनर ही स्टार्ट किया था और ओपनर ही खत्म करेंगे। वैसे जिस तरह विदेशी धरती पर शिखर धवन फ्लॉप हो रहे हैं, वैसे में गंभीर का दावा वाजिब भी है। अगला दौरा न्यूजीलैंड का है और वहाँ गंभीर पहले ही अपना दम दिखा चुके हैं। ऐसे में ग्रेटर वैली स्कूल में गंभीर का ये दावा जल्द ही अपना रंग दिखा दे, इसमें कोई शक नहीं है। रवि ठाकुर, न्यूज 24।